डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस समय कई सारे बच्चे और पेरेंट इस चीज के लिए चिंतित होते हैं कि टेंथ पास करने के बाद कोचिंग कहाँ की जाए। तो जैसा कि अभी आज के समय में कोचिंग जो है एक अनिवार्य जो है फीचर हो गया बच्चे के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर कोचिंग वो तैयारी करे, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिशन की जो मूल भावना है उसको बरकरार करने के लिए कोचिंग की एक आवश्यकता में होती है। तो पेरेंट जो हैं अभी इसी उलझन में होते हैं कि कोचिंग कहाँ करवाई जाए। अब जैसे कि अगर मैं IITian और नीट के बारे में बात करूं, तो पहला ऑप्शन जो बन के आता है बच्चे के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में, वो है कोटा में एडमिशन लिया जाए कोचिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा अपने शहर में भी ऑप्शन होता है, ठीक है, और भी कोचिंग्स हैं, ठीक है। तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोचिंग कहाँ की जाए, ठीक है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और अभी एक रिसेंट फील्ड डेवलप हुआ है ई लर्निंग का, तो ऑनलाइन भी कोचिंग होती है, तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि माई सेल्फ नवीन वर्मा एंड आई हैव बीटेक डिग्री फ्रॉम IIT दिल्ली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मेरा एकेडमिक करियर जो है वो कोटा में स्टार्ट हुआ 2006 से, जहां मैंने रेजुनेस में पढ़ाया एज ए सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और 2013 में आई ज्वाइंट E2's कंपनी विच इज रन बाई ए कोरियन वेंचर एंड ई लर्निंग में एक जाना पहचाना नाम है। तो आई वॉज अकेडमिक हेड ऑफ E2's इन 2013, और उसके बाद से हमने अपना खुद का एक वेंचर जो है स्टेब्लिश किया है न्यूक्लियोन नाम से, एंड इट इज ऑल्सो ए ई लर्निंग कंपनी, और हम इसमें IITian और नीट के वीडियो लेक्चर जो है कंटिन्यूसली बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हमसे कई बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है मैं मेन चीज पे आता हूं कि यहां पे हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि कोटा कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। अब मैं बाकी कोचिंग डिस्कस नहीं कर रहा हूं दूसरे शहरों की, तो चूंकि कोटा को जो है कोचिंग का मक्का कहा जाता है, ठीक है ना, हजारों बच्चे यहां हर साल आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तैयारी करते हैं, सक्सेसफुल होकर जाते हैं, और कोटा एक जाना पहचाना नाम है पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स को यहां भेजना बच्चे को अच्छा भी लगता है कि यहां जाएगा ये तो अच्छी तैयारी होगी, इसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक। तो अभी रिसेंटली कोटा फैक्ट्री नाम से एक सीरियल जो लगा था यूट्यूब पर, ठीक है, कुछ एपिसोड्स आए थे उसके और बच्चों ने काफी सराहा उनको, और उसमें डिटेल में कोटा के बारे में बताया गया कि कैसे एक बच्चा यहां एंटर करता है, कैसे क्या क्या दिक्कत उसको आती है, ये सब चीजों के बारे में उसमें अच्छा दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, तो एक पर्सपेक्टिव जो है वो एक टीचर का भी होता है कि जो कोटा में कई सालों से है, तो उसको ये सब कोचिंग किस तरीके से दिखती है वो चीज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले तो जो है कोटा कोचिंग में हम ऑप्शंस के बारे में बात करें। अब मैं IITian के ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो IITian के ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो कौन कौन सी कोचिंग कोटा में है उनके बारे में बता दूं। जैसे पहले कोचिंग आती है रेजोनेंस एजुवेंचर्स, सेकेंड है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, ये मैं प्रायोरिटी वाइज नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट इनको मेंशन करने के पॉइंट से बता रहा हूं। तो रेजोनेंस, उसके बाद एलन कैरियर क्लासेस, ठीक है, उसके बाद एक अभी रेजोनेंस के HODs और कुछ टीचर्स ने मिलकर रिलायबल इंस्टीट्यूट खोला है, वो एक ऑप्शन है कोटा में, ठीक है। उसके अलावा वाइब्रेंट अकेडमी है कोटा में, ठीक है, जो कि लगभग 2008 या 9 से इस्टेब्लिश है कोटा में, ठीक है। वाइब्रेंट कोचिंग के अलावा न्यूक्लियस कोचिंग है जो एलएम के कुछ HODs के द्वारा खोला गया था वेंचर, मोशन क्लासेस है जो नितिन विजय सर के द्वारा चलाया जा रहा कोटा में सक्सेसफुली, ठीक। तो अब जब बच्चा कोटा में आता है, और अगर मैं नीट के बारे में बात करूं तो नीट में जो ऑप्शन कोटा में है वो है, सबसे अगर बोलूं तो मैं एलन कैरियर क्लासेस, ठीक है, जाना पहचाना नाम है सब बच्चों के लिए, सर्वोत्तम क्लासेस है, आकाश का भी सेंटर है कोटा में, ठीक है। तो ये तीन चार ऑप्शन जो है कोटा में, एक अचीवर क्लासेस भी है जो खुला है एक दो साल पहले, तो ये सारे ऑप्शन नीट में है। अब जब एक पेरेंट अपने बच्चों को लेकर यहां पे कोटा में आ रहा है एडमिशन कराने, तो उसको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसको कंसिडर करना चाहिए कि कोचिंग कितना पुराना है, ठीक है। अब कोचिंग कितना पुराना है, अच्छा इसमें मैंने दो नाम नहीं लिए हैं, एक तो बंसल क्लासेस का
और एक करियर पॉइंट का, क्योंकि अब बंसल क्लासेज जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम के लिए नहीं है कोटा में, और करियर पॉइंट जो है वो भी एक तरह से यूं मान लीजिए क्लासरूम आईटीजी क्लासरूम के लिए ऑप्शन नहीं रहा है, ठीक है। तो करियर पॉइंट और बंसल को मैं एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ, बाकी जेई के जो ऑप्शन मैंने बता दिए आपको, रेजोनेंस, एलन, रिलायबल, न्यूक्लियस, मोशन और वाइब्रेंट, ये सब कोचिंग कोटा में आईटीजी के लिए है। नीट में आकाश है आपके पास, एलन है, सर्वोत्तम है, अचीवर है, ये सारे ऑप्शन है। तो बच्चे को क्या क्या फैक्टर यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए अगर वो एडमिशन लेना चाह रहा है, तो सबसे फोरमोस्ट फैक्टर है कि कितना पुराना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब देखिए पुराना इंस्टीट्यूट से क्या मतलब है कि अगर इंस्टीट्यूट अगर पुराना है तो वहां एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, उनके पास डीपीपी शीट बांटने का, टेस्ट लेने का एक ऑर्गेनाइज तरीका है। अगर कोई कोचिंग नया बन रहा है तो उस कोचिंग के पास अभी सिस्टम इस्टेब्लिश करने में उसकी काफी एनर्जी जाएगी और उस चीज में बच्चा प्रभावित होगा, तो हम सबसे पहले ये चुने कि कोचिंग पुराना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं वो ये है कि प्रेजेंटली अभी कोचिंग में कितने जो है वहां पे स्टूडेंट्स हैं। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल आपको जैसे अगर कोचिंग में विजिट करेंगे तो वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रेजेंटली कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहां ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है और उसमें हमें ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। हम इस फैक्टर को ना देखें कि कम बच्चे होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि बड़े कोचिंगों में एक अच्छा एस्टेब्लिश सिस्टम होता है ऑलरेडी जिसका बच्चों को डेफिनेटली फायदा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, कंपटीशन की भावना रहती है, ज्यादा बच्चे होंगे तो एक अच्छा एनवायरमेंट हमें मिलेगा कंपटीशन का, जो कि रियल टाइम हमें फील कराने में मदद करेगा कि हमें इस एग्जाम में अपीयर होना है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि बच्चे वहां ज्यादा होने चाहिए। तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि वहां पर लास्ट ईयर रिजल्ट क्या था, पास रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा सिस्टम दे रहा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम सारे कोचिंगों का रिजल्ट कंपेयर करें कि किसने अच्छे परसेंटेज दिए हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन के हिसाब से और किसके बच्चे ज्यादा अच्छे टॉप 10 में या टॉप 100 में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, कुछ नेगेटिविटी भी पता लगती है कि यहाँ पे कुछ ऐसे आरोप भी लगते रहे कोचिंगों पे कि रिजल्ट खरीदा गया है, तो समटाइम्स ऐसा होगा कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं इस फैक्टर को कंसिडर करूं नहीं करूं, पर मेरे ख्याल से करना चाहिए इस फैक्टर को, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। रिजल्ट अगर कोई 100 में से 20 बता रहा है तो वो 20 में से अगर एक दो इधर उधर मान लिया जाए तो भी बाकी रिजल्ट तो उसके सही मानता हूं मैं, तो रिजल्ट एक कंसिडरेबल फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे कंसिडरेबल फैक्टर वो ये है कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कोटा में लास्ट ईयर कोचिंग ली है तो सबसे अच्छा कोचिंग के बारे में वो बताएगा, बाकी सब चीजें आपको मीडिया से पता लगेगी कि यहां पर जो है ये रिजल्ट आया है, ठीक है, हम ये कोर्स अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सोली मीडिया पर ही रिलाय ना करके हम पुराने स्टूडेंट के फीडबैक पर ज्यादा और उसको ऑथेंटिक माने। तो चूंकि बच्चा कोटा में रहा हुआ है साल भर, ठीक है, और वो सारी कोचिंग का माहौल जान जाता है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी नहीं है, प्लस उसको फीडबैक दूसरी कोचिंग के बच्चों से भी मिलता है। तो हम हमेशा क्या करें कि पुराना कोई बच्चा यदि हमारे कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उससे पूछे कि कोटा में जाए तो कौन सी कोचिंग में एडमिशन ले। अब देखिए कोचिंग चुनाव करना बहुत सावधानी पूर्वक हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से मैं 2006 से कोटा में हूं, ठीक है, और 2000 ये मान लीजिए कि 6 से मैंने कोटा में देखा है कि कई कोचिंग बनते हैं टूट के, ठीक है, एक साल के लिए चलते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा एडमिशन लिया है वो प्रभावित होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है अनस्टेबल सिस्टम है, टूट के आए फिर उसके बाद जो है वापिस चले गए अपने इंस्टीट्यूट में, तो इस चक्कर में क्या होगा, अच्छा आने और जाने का पैटर्न ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के एग्जाम के हिसाब से तय होता है कि भाई अब बच्चा जेई एडवांस का एग्जाम दे लिया अब हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि जनवरी में भी टीचर चले गए, फरवरी में भी चले गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चे का एक पर्टिकुलर टीचर के साथ एफिनिटी है, उससे वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे उसको समझ में भी आ रहा है। अब एकदम से वो टीचर उठ के चला गया तो बच्चे के लिए पढ़ाई प्रभावित होगी, और ऐसा नहीं कि कोटा में एक दो टीचर जाते हैं, बल्क में भी टीचर जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि 22-25 लोग एक साथ उठा लिए, ठीक है, ऐसा भी हुआ है अभी रिसेंटली रिलायबल में कि 50 लोग एक साथ चले गए। तो ये सब चीजें जो ना एक बच्चे के लिए करियर के लिए, क्योंकि बच्चा यूनिक है
पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी एसेट है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। पेरेंट के लिए कि बच्चा उनका एक बच्चा है जिसको कोटा में डाला, पैसा लगाया, अगर इन सब उठा पटक में अगर उसका करियर बर्बाद हो गया तो उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कोचिंग का चुनाव जो है बहुत ही सावधानी से हमें करना चाहिए कोटा में, और सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों से पूछ के करना चाहिए, ठीक है ना, जो कि जैसा कि मैंने ये चीज आपको बताई। अब इसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि कोटा कोचिंग के क्या फायदे हैं और कोटा कोचिंग के क्या नुकसान है। ठीक, तो अमन सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कोटा कोचिंग के क्या फायदे हैं, कि कोटा में अगर बच्चा आता है तो उसको क्या क्या फायदे यहां पे मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो है मैं बात करूं तो वो ये है कि यहां पे कोचिंग का जो है ना एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, कि किसी भी शहर में इतना जबरदस्त कंपटीशन नहीं है कोचिंगों के बीच में जो कोटा में है। तो कई कोचिंग हैं जो 30 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने हैं, तो एक बढ़िया एक सिस्टम कोटा में कोचिंग का बना हुआ है। ठीक है, यानी कि वहां पर आपको जो है मतलब एक ही कोचिंग पे 200 टीचर पढ़ा रहे हैं, 300 टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 50 टीचर वहां रिसर्च में लगे हुए हैं क्वेश्चंस के लिए। तो ये जो चीज है ये आपको सिर्फ कोटा में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कोटा कोचिंग के फेवर में वो ये है कि यहां पे आपको एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम मिलने वाला है कोचिंग का, जो किसी और शहर में मिलना आपके लिए संभव नहीं है इंडिया के किसी शहर में। ठीक है, तो कोचिंग का गढ़ है कोटा, इसलिए माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट जो है वो जाना जाता है फैकल्टी के द्वारा। ठीक, तो फैकल्टी कोटा कोचिंग में ऐसे हैं जो 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं, एस्टेब्लिश स्टेबल हैं, ठीक है, उन्होंने उस टॉपिक में महारत हासिल की है, उसमें उन्होंने रिसर्च की है। तो कोटा कोचिंग में आपको फाइनेस्ट टीचर मिलेंगे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को तराशा है और बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए हैं। ठीक ना, मैं यहां पे नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऐसे टीचर्स को मैं पर्सनली जानता हूं कि जो नामी गिरामी है, जिनकी बुक्स जो है वो चलती है अच्छे ब्रांड्स के साथ, ठीक है, TMH में जिनकी बुक्स हैं वो सब। तो ये जो टीचर वाला फैक्टर है, ये टीचर वाला फैक्टर आपको और कहीं मिलेगा नहीं, चाहे आप ऑनलाइन में चले जाइए, चाहे आप कोटा से किसी और शहर में चले जाइए, टीचर का जो ये पूल है ये आपको मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है, तो दूसरा जो फैक्टर है वो है कि बहुत अच्छा फैकल्टी पूल बच्चों को यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तीसरा है वेल रिसर्च कंटेंट। अगर कोटा कंटेंट के बारे में बात करें तो हर टॉपिक पे एक बहुत गहनता से रिसर्च हुआ है, टीचर्स का बहुत जबरदस्त योगदान हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एक सेक्शन होता है, कोटा के बाहर इनऑर्गेनिक पे इतना एम्फेसिस करते नहीं है टीचर, लेकिन कोटा के अंदर इनऑर्गेनिक बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ टीचर डेडिकेटली इसी के लिए होते हैं। बाकी शहरों में क्या होता है कि एक सिंगल टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, लेकिन कोटा में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले 3 टीचर होते हैं तकरीबन, फिजिकल का अलग स्पेशलिस्ट, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग। तो उससे क्या होता है कि एक टीचर पर्टिकुलर एक ही टॉपिक या एक ही सेक्शन कई सालों से पढ़ा रहा है, तो उसमें उसके लिए समय होता है पर्याप्त कि वो रिसर्च कर सके। तो कोटा का जो तीसरा एडवांटेज है वो है वेल रिसर्च कंटेंट। ठीक, ये और कहीं आपको मिलेगा नहीं कोटा के अलावा। चौथा है एग्जाम फीचर। कोटा में जो टेस्ट बनते हैं ऑल इंडिया लेवल के, ऑल इंडिया टेस्ट भी जो जाती है, यहां से मेजर टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, या कोचिंग के अंदर जो टेस्ट होते हैं, ये अपने आप में बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चन लिए होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे कलेक्शन के साथ बच्चे को कोटा में टेस्ट लिया जाता है पीरियोडिक, और वहां पर यहां पर आपको कॉम्पिटिशन भी मिलता है। तो टेस्ट का जो सबसे अच्छा फीचर है वो कोटा में आपको मिलता है, ठीक, एग्जाम का जो मैं बोल रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कोटा के फेवर में वो ये है कि यहां पे बहुत अच्छा कंपटीशन है। अगर आप मान लीजिए किसी शहर में एक अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहां पे 200 या 300 बच्चे हैं, तो आपका कंपटीशन सीमित है, आपको पता नहीं लग रहा है कि मैं कहां लाई कर रहा हूं। आप फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, सेकंड रैंक ला रहे हैं, तो आप बहुत खुश हैं कि चलो मेरा IIT में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोटा में आप आते हैं तो आपके जैसे हजारों बच्चे हैं, यहां पे आपको रियल फील होता है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। ठीक है, कोटा में कोचिंगों में एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड ये अभी आया है कि ये एक सेलेक्टिव बच्चों का एक टॉप ग्रुप बनाते हैं और उनके लिए जो है अपने बेस्ट फैकल्टी को लगाते हैं, और ताकि वो बच्चे टॉप 10 में, टॉप 100 में आ सके। ये फैसिलिटी आपको कोटा के बाहर नहीं मिलेगी कि आपको बहुत जो है एक्सपीरियंस लोग पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसी को टारगेट करके कि आप टॉप 10 में आ जाओ। ये कोटा की खासियत, तो रिजल्ट कोटा की खासियत है जिसके लिए यहां मेहनत भी आपके साथ की जाएगी। ठीक है, ये कोटा के लिए एडवांटेज। अगली चीज है
कि कोटा जो है एयर कनेक्टिविटी के मामले में, ठीक है, मतलब ट्रेन कनेक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा है। एयर कनेक्टिविटी में बोलूंगा नहीं अभी, ठीक है ना, क्योंकि नियरेस्ट जो है एयरपोर्ट वो जयपुर है अभी, ठीक है। तो वैसे कनेक्टिविटी ट्रेन के वाइज देखा जाए तो कोटा लगभग सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है और यहां से मुंबई और दिल्ली के बीच में पड़ता ही है, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, ट्रेन सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है। कोटा एक छोटा शहर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, ठीक है। हॉस्टल्स का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ रहने के लिए आपको एसी हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है, बड़े हॉस्टल मिल जाएंगे जिनमें एक साथ जो है 500 बच्चे रह रहे हैं, तो एक माहौल ही अलग है कि बच्चा जो है बच्चों के बीच में रह रहा है, थोड़ा उसका मन बहलेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपको एक रूम लेकर रहना पड़ रहा है अलग से, तो बड़े बड़े हॉस्टलों में आप रह रहे हैं तो एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा अच्छा। तो ये कोटा की खासियत है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराता है, हॉस्टल फैसिलिटी है, ये सब चीजें जो है कोटा के फेवर में, जिनको मैं समराइज करूं तो एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, रिसर्च कंटेंट है, वेरी गुड फैकल्टी पूल है, एग्जाम का अच्छा फीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल का बहुत अच्छा है और बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट यहाँ पढ़ने का मिलता है। ये चीज कोटा के की खासियत है, इसकी वजह से हजारों स्टूडेंट जो है कोटा में आते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कोटा में यदि बच्चा आता है तो उसके साथ कोटा की डीमेरिट्स क्या है, यानी क्या क्या डिसएडवांटेज जो है बच्चे को होते हैं यहां पे आने के बाद, क्या क्या फील होता है, वो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो अब हम डीमेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कोटा में बच्चा यदि आता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें आती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कोटा आने का वो है हाई कॉस्ट। हाई कोर्स का मतलब यह है कि अगर बच्चा 2 साल कोटा में कोचिंग ले रहा है 11th और 12th में, तो उसकी ट्यूशन फीस ही लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में, ठीक है। एक 2.5 से 3 लाख स्पेंड करना इस चीज पे थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस होती है कोटा कोचिंग्स की, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि कोचिंग की फीस के अलावा आपको हॉस्टल की फीस भी देनी पड़ती है, यानी रहने का, खाने का, यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी एक बच्चे का लगभग 2 साल का अगर हम जोड़ के रखें तो लगभग 3 लाख के आसपास उसका खर्चा आने वाला है हॉस्टल में रहने वाले का। तो अगर एक बच्चा 11th 12th में कोटा में कोचिंग करने आ रहा है तो लगभग 5 से 6 लाख उसका पर्सनल खर्चा होगा, जिसमें ये कि आना जाना भी है, बीच में वो अपने होम टाउन जाएगा आएगा, ठीक है, बुक्स खरीदना है, हॉस्टल में रहना है, मेस का फैसिलिटी है, ट्यूशन फीस है, ये सब मिला के। तो ये कॉस्ट फैक्टर जो है, अब जैसे कि इंडिया के बारे में अगर अपन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है 5 से 6 लाख, यानी हर एक आदमी जो है, हर एक बच्चा तैयारी नहीं कर सकता इतना पैसा खर्च करके, हर पेरेंट्स की इतनी काबिलियत नहीं है, ठीक है। अब उसमें ये है कि कोचिंग्स में स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा हो तो उसको ये लोग 90% या 80% स्कॉलरशिप तक देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा एवरेज है पढ़ाई में, क्योंकि देखो कोचिंग का जो अस्तित्व है वो इसलिए आया है कि जो बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, तो वास्तव में कोचिंग की जरूरत किसको है, जो एवरेज बच्चा है। लेकिन अगर एवरेज बच्चा है तो उसके लिए यहां कोई कंसेशन नहीं है, ठीक है, उसको पूरी फीस देनी पड़ेगी और उसका लगभग 5 से 6 लाख 2 साल में खर्च होने वाला है। तो ये चीज जो है ये एक तरह से अपने आप में बहुत हाईली कॉस्टली जो है सिस्टम, अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व रहती है, हॉस्टल और ये सब मिला के, ट्यूशन फीस मिला के बहुत कॉस्टली अफेयर है कोटा में कोचिंग करना, जो सबके सामर्थ्य के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिन जिन पेरेंट्स के पास पैसा है वो तो कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे कोटा में कि जमीन गिरवी करके पेरेंट्स ने जो है वो बच्चों को एडमिशन दिलाया है और बच्चे एक मानसिक तनाव में गुजर रहे हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक। तो एक तो फैक्टर ये है यहाँ पे। दूसरा जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर, वो है स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट। अब जब बच्चा जब कोटा में एंटर करता है तो यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, हर अपने स्टेट के, सिटी के और स्कूल के टॉपर्स यहाँ आते हैं और अच्छे बच्चों में कंपटीशन है। तो जो बच्चा पिछड़ जाता है पढ़ाई में, जिसकी रैंक पीछे आती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, यानी कि वो गिव अप कर जाता है, उसको लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो एक बच्चा अपनी नॉर्मल काबिलियत के साथ जितना परफॉर्म कर सकता था, अब उसके भी चांसेस खत्म हो गए,
यानी कि अब वो स्ट्रेस में जी रहा है और वो आसपास के माहौल को देख के जो है वो एक नेगेटिविटी उसमें है कि यार इतने लोग मेरे से आगे हैं तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ चूंकि बच्चे बहुत छोटे आते हैं, 11-12 के बच्चों को मैं मानता हूँ कि बहुत छोटे हैं अभी, उनको बहुत प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। इतने छोटे बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ कॉप अप करने में बड़ी दिक्कत आती है। जो बच्चा पढ़ाई में पिछड़ गया उसे बड़ी दिक्कत आती है, स्ट्रेस में वो लाइफ जो है व्यतीत करता है। ठीक, तो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन स्ट्रेस से नेक्स्ट लेवल पर जाएं तो कई बच्चे डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन के भी शिकार है। ठीक है, डिप्रेशन के शिकार है क्योंकि कंटिन्यूअसली आप स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में हो तो धीरे धीरे बच्चे कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस भी मुझे पता लगे हैं कि बच्चे ने पढ़ना ही बंद कर दिया, पूरा समय जो है वो यूट्यूब में लगा रहा है। ठीक है, या फिर इधर उधर की चीजों को देख रहा है। ठीक है, साइबर कैफे में है। ठीक है, गेम जोन में चला गया। ठीक है, तो कई बच्चे जो है पढ़ाई से टोटली हट गए। ठीक है, और इस डिप्रेशन का बहुत खतरनाक जो फीचर है वो है सुसाइडल टेंडेंसी। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे सुसाइड हुए हैं जिनके बारे में कोटा की कई न्यूज बार आई है। ठीक है ना, अखबारों में कई बार नेशनल चैनल्स पे भी दिखाया गया है कि कई सारे सुसाइड बच्चों ने किए हैं। अब इतने छोटे बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, मतलब इनको ऐसी क्या मतलब इतने ज्यादा ये कैसे जी रहे हैं ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि बड़े लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं हम हैं, ठीक है, जॉब करने वाला आदमी वो भी स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में है, लेकिन हम लोग जो है उसके साथ कोप अप करते हैं, उसको लाइफ का एक पार्ट मानते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे जिनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है कि वो बच्चे अपने जीवन का अंत कर लेते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो ऐसे केसेस एक दो नहीं, काफी सारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हुए हैं। ठीक है, और मैं उन पेरेंट्स के साथ मेरी एक सहानुभूति है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ एडमिशन देने के लेने के अलावा, और वो उनको पता भी नहीं कि उनका बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। बच्चे से कभी कभार बात करते हैं, बच्चा ये बोलता है फोन पे कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके पीछे उस बच्चा कितने तूफानों से गुजर रहा है वो उसको बता नहीं पाता। कई बार पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते कि हमारा बच्चा किस दौर मेंटल फेज से गुजर रहा है। कुछ पेरेंट्स अनावश्यक दबाव भी बनाते हैं कि तुझे अच्छा करना है, तेरे नंबर कम आ रहे हैं, तू पढ़ नहीं रहा होगा, तू मस्ती कर रहा होगा कोटा में जाके। तो ये सब फैक्टर है जिनकी वजह से जो है पिछले कुछ सालों में कोटा में ये समस्या रही, और इसके लिए कोटा में बड़ी कोचिंग्स के द्वारा कुछ मेजर भी चलाए जा रहे हैं, कैंपेनिंग भी होती है कि कुछ मनोरंजन एक्टिविटी भी वो लोग अब इंक्लूड कर रहे हैं महीने के महीने, है ना। तो उससे कमी भी आई है, ऐसी बात नहीं है, ये सुसाइडल जो रेट थी इसमें कमी आई है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी समस्या है, मैं इसको बहुत बड़ी समस्या के तौर पर लेता हूं। इसके बाद जो है यहां पे जो अगली चीज है वो लैक ऑफ स्टूडेंट मॉनिटरिंग। अब आप पेरेंट ने 1000 किलोमीटर दूर से बच्चे को यहां डाल दिया हॉस्टल में, कोचिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मान लो कोचिंग जा रहा है, ठीक है, तो एक तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो रेगुलर जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, मैसेजेस वगैरह भेजते हैं कोचिंग वाले कि योर वार्ड इज एब्सेंट, बट उसके बाद जब वो हॉस्टल में आता है तो वहां कोई मॉनिटरिंग नहीं है। यानी हॉस्टल में आने के बाद वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, या कहीं घूमने निकल गया, या गलत संगति में पड़ गया, उसका यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप अपने बच्चों को इतनी दूर भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत बच्चे के साथ हमेशा रहेगी कि गलत संगत में भी वो पढ़ सकता है। ठीक है ना, या फिर वो डिप्रेस होकर अपने कमरे में बंद हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि बच्चे छोटे हैं मानसिक रूप से उनके लिए बहुत ही एक विकट प्रश्न है कि कैसे जेईई में सिलेक्शन लिया जाए नीट में कॉम्पिटिशन के होते हुए, तो ये समस्या जो है बच्चे के साथ हमेशा रहती है। अब यहां पे अगर कोई बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है या फिर वो पढ़ ही नहीं रहा हॉस्टल पे जाके, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोचिंग उसको मोटिवेट करके पढ़ने के लिए वो करे। तो अगर हम ये बात करें कि इंडिविजुअल अटेंशन है या नहीं इंस्टीट्यूट में, तो नहीं है। उनको एक बैच को पढ़ाना है, ठीक है, बैच यहां से जाने के बाद क्या कर रहे हैं स्टूडेंट उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल अटेंशन का अभाव है बड़े इंस्टीट्यूट में, क्योंकि टीचर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, बच्चे भी एक बैच से दूसरे बैच में सफल हो रहे हैं, तो एक भावनात्मक लगाव नहीं है कि टीचर जानता नहीं है कि बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पिछली 5 क्लास से नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम होगी या मैं इसको फोन कराऊं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बिकॉज ऑफ द लार्ज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट की वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे पर्सनल अटेंशन नहीं है। तो वो चीज हमारे साथ एक यहाँ पे समझेगी। अगला जो पॉइंट है वो है हेल्थ इश्यूज। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है एक डिफरेंट कल्चर से कोटा में आए,
ठीक है, एक हॉस्टल में रहने लगे, ठीक है, वहां पे उसका खाना अलग तरीके का था, कोटा में अलग तरह का खाना है, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में स्पेशली मिर्च मसाले वाला खाना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कभी मिर्च मसाले वाला नहीं खाया होता है, तो यहाँ उनको जो है हेल्थ प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, हॉस्टल्स में कई बार पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, तो कई बच्चों को जो है पीलिया, इस तरह की जॉन्डिस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कोटा में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा डेंगू फैला, ठीक है, डेंगू के अलावा जो है या अगर स्वाइन फ्लू का भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, बच्चे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये एक हेल्थ वाइज जो है कि रिस्की जोन माना जाता है, क्योंकि बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसड है और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में बहुत कंटिन्यूसली आ रही है, तो कई बच्चों को ऐसा होता है कि बीच में हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो चले गए, ठीक है, तो बच्चे जो है पढ़ाई उनकी प्रभावित होती है, कई बच्चे बहुत डेंगू की वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं मरणासन हालत में चले गए, ठीक है, पेरेंट्स उनको लेके गए, फिर उसके बाद पेरेंट्स दोबारा आते हैं उनको 5-6 महीने बाद लेकर कि चलो अब ये सही हो गया है, लेकिन इस दौरान बच्चे की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और उसका बैकअप का वैसे बच्चे के पास कोई तरीका नहीं है जो छूट गया, ठीक है, तो ये एक समस्या जो है ये कोटा में जो है बच्चे को पेश करनी पड़ती है, कोटा में बच्चे के सामने आती है। इसके बाद जो अगली समस्या है वो ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, चलो हमने एक सिस्टम बना दिया कि हमारे पास 2000 बच्चे हैं, 5000 बच्चे हैं, इनमें कंपटीशन होगा, एग्जाम होगा, लेकिन उस एग्जाम में किसी न किसी को तो पीछे आना है, ठीक है, अब जो पीछे आता है उसके लिए कोटा में क्या प्रोविजन है कि इसको नीचे के बेंच में डिमोट कर दिया जाए, एक बच्चा अच्छा कर रहा है इसको ऊपर के बेंच में ला दिया जाए। अब आप सोचिए कि जो बच्चा नीचे चला गया वो तो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, उस पर तो एक लेबल लग गया कि ये वीक स्टूडेंट है, ठीक है, अब वीक स्टूडेंट यदि वो लेबल लग गया तो पहले ही वो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में रह रहा है, धीरे धीरे क्या होता है ऐसे बच्चे जो है ना पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, वो अपने आप पर टैग लगा लेते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वीक स्टूडेंट है तो उसके लिए अपन एक्स्ट्रा एफर्ट करें, यहां ये मान के पढ़ाई करवाई जाएगी कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे बेंच में अच्छे टीचर से पढ़िए, ठीक है, तो वीक स्टूडेंट के लिए आपका बच्चा यदि एवरेज से कम है या एवरेज है तो उसको आगे अपलिफ्ट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा मेजर लेने हैं, वो उस चीज का अभाव है, उस चीज का कोई रिसर्च नहीं है। यहां ऐसा है कि सबको एक ही कंटेंट दिया जा रहा है, सबको एक ही रेस में दौड़ाया जा रहा है, जो आगे बढ़ गया वो ठीक है, जो पीछे रह गया उसको छोड़ दो, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट को खुद ही सोचना है कि भाई मैं अपने बच्चे का एनालाइज करूं कि ये बहुत अच्छा है पढ़ने में या नहीं है। आप कोटा तभी आए जब आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, उसके अलावा आप में खुद की एक इच्छा हो कि मैं कोटा जाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई पेरेंट्स के हिसाब से आपको लगता है मेरा बच्चा एवरेज है, ठीक है, और इसके अंदर कोटा जाने की कोई इच्छा भी नहीं है, तो जबरदस्ती उसको मत धकेलिए। उस केस में क्या होगा कि जितना परफॉर्म आपका बच्चा वहां रह के कर सकता है अपने होम टाउन में, उतना भी नहीं करेगा, यानी इस भीड़ में क्या होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर वो पढ़ना ही बंद कर देगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये चीज देखनी आवश्यक है कि हमारा बच्चा इसको हम भेजे ना भेजे कोटा, ये चीज जो है पेरेंट को डिसाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की भीड़ देख के जो है अपने बच्चे को भी उसी भीड़ में शामिल कर दें कि भैया जाओ और अपने आप को प्रूव करो, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बच्चा जो है वो जेई में टॉप 10 में आ जाए या टॉप 100 में आ जाए, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद जो है अगली समस्या जो आती है, जो मैं अभी बता रहा था कि अगर कोई बच्चा वीक है या अच्छा अंडर परफॉर्म करता है तो उसको नीचे के बेंच में डाल दिया जाता है। अब यहां क्या कल्चर है कि टॉप बेंच में टॉप फैकल्टी, एवरेज बेंच में एवरेज फैकल्टी और लोअर बेंचेस में जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं या फैकल्टी ट्रेनिंग जो प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं उन लोगों को भेज दिया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डेडली कॉम्बिनेशन है, अच्छे बच्चे को टॉप फैकल्टी और अगर बच्चा अगर अंडर परफॉर्म करता है तो उसको फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले टीचर, ठीक है। इस केस में उसके जो चांसेस होते हैं बच्चे कुछ चांसेस कि वो रिवाइव कर सके और अपने को जो है आगे ला सके वो भी खत्म हो जाते हैं, यानी क्लास में उसको समझ में आ ही नहीं रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहा घर जाके तो फिर वो एग्जाम में भी अंडर परफॉर्म करेगा और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी और वो खुद ही सोच लेगा कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता अभी इसके बाद। तो एवरेज स्टूडेंट, एवरेज टीचर और वीक स्टूडेंट, नए टीचर, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है।
तो हो सकता है कि आपका बच्चा इसका शिकार बन जाए, ठीक है। तो ये आप ही को सोचना है कि वो पढ़ने, वो मेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, वो पढ़ने में कैसा है, ठीक है। ये चीज आपको पेरेंट्स को डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद जो अगली चीज के बारे में बात कर रहा हूं वो है फैकल्टी का माइग्रेशन। पिछले कुछ सालों में कोचिंगें बनी बंद हो गई, ठीक है, या एक बड़ी कोचिंग ने दूसरी बड़ी कोचिंग के 20 लोग एक साथ उठा लिए, 40 लोग एक साथ उठा लिए। ये सबसे खतरनाक चीज है जो आपके बच्चे को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके बच्चे के पास केवल एक साल है, ठीक है। वो बच्चा एग्जाम देने वाला है अप्रैल में, ठीक है, फरवरी में फैकल्टी चली गई, तो जो उसके बैच में तीनों चारों टीचर पढ़ा रहे थे वो सारे के सारे उठ के वहां चले गए, और फिर वहां जाने के बाद उस बच्चे को फोन करके बता रहे हैं कि भाई हम इसको इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, तू भी यहां आ जा। अब बच्चा कंफ्यूज है कि मैं पुराने इंस्टीट्यूट में रहूं कि इस नए इंस्टीट्यूट में रहूं। पुराना इंस्टीट्यूट से लगाव है कि यहां पे एक सिस्टम था हमारा, और नए इंस्टीट्यूट में हमारे सारे टीचर चले गए। अब इस उधरपुर में क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है ना उलझ के रह जाते हैं, दो दिन इधर क्लास की, दो दिन उधर क्लास की, अब कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि मैं मुझे कहां रहना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा घातक है, ठीक है। और ये चीज जो है हो सकता है आपके बच्चे के साथ हो जाए कि जब वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हो तो तभी टीचर निकल के दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाए। तो ये सारे फैक्टर कंसिडरेबल है कि आप अपने विवेक से फैसला करें कि यहां पे कोटा में भेजना है या नहीं भेजना है। वो डिपेंड करता है आपका बच्चा कैसा है, आपको कोटा के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपने कितना रिसर्च किया हुआ है कि अब मुझे ये सारा इनपुट मिल चुका है, अब मैं फैसला कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं कि अपन दौड़ का शिकार हो जाएं कि भाई हमें जो है एक अंधी दौड़ में शामिल होना है, हमारे बच्चों को भी दौड़ाना है और बेचारे मासूम बच्चे इसमें फिस रहे हैं। तो ये मैंने बात करी है कोटा के मेरिट और डीमेरिट के बारे में, ठीक। अब अगर मान लीजिए कोई पेरेंट ये डिसाइड करता है कि अब मुझे बच्चे को कोटा नहीं भेजना है, तो क्या कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, ठीक है, क्या बिना कोटा आए बच्चा कोचिंग में सेलेक्ट हो सकता है? तो आंसर इज यस, ठीक है। अब आज की तारीख में लगभग हर शहर में अच्छी कोचिंगें खुल चुकी है, भले उनमें स्टूडेंट कम हो लेकिन अच्छे टीचर आपको हर शहर में मिल जाएंगे, और साथ में आपको ई लर्निंग के इतने सारे इंस्टीट्यूट कोटा इंडिया में हो चुके हैं कि आपका बच्चा ई लर्निंग से भी सीख सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे के पास क्या और अल्टरनेट तरीका है कि वो बिना कोटा है सेलेक्ट हो जाए, तो वो तरीका है अपनी लोकल कोचिंग में एडमिशन ले, ठीक है, और उसके साथ ई लर्निंग के जो इंस्टीट्यूट है उनका फायदा उठाए। संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर अब ई लर्निंग में भी पढ़ाने लग गए हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बात करने वाला हूं कि ई लर्निंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो क्या क्या है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग यानी कि ई लर्निंग में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। तो ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो जैसे सबसे पहले अगर ई लर्निंग का नाम आता है तो वो है इटूस, जो कि कोरियन वेंचर है, काफी सालों से कोटा में बेस्ड जो है वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। कोटा बेस्ड अगर और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं ई लर्निंग में, तो वो है न्यूक्लियन, जो कि हमारे द्वारा रन किया जा रहा है। इसके अलावा मोशन जो है वो भी ई लर्निंग में है। करियर पॉइंट जो है वो अब ई लर्निंग में भी स्टार्ट किया है थोड़े दिन पहले। उसके अलावा कोटा से बाहर वाले में मैं ऑप्शन देखूं तो अन अकेडमी एक ऑप्शन है, बायजूस एक ऑप्शन है, और वेदांतु एक ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपको जो है इसमें ऑनलाइन में भी जो है कोटा बेस्ड कोचिंग का कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सकता है, ठीक है। तो अपने शहर में रहकर भी आप पढ़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक। तो ये तो थे ऑप्शंस के बारे में। अब मैं मेरिट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि कोटा इसके ऑनलाइन कोचिंग के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा वो है कॉस्ट सेविंग, यानी ये सबके लिए संभव नहीं है कि 5-6 लाख 2 साल में खर्च किए जाएं कोटा आके, तो उसके लिए जो है ये जो ऑनलाइन की कॉस्ट है ये बहुत कम है उसके मुकाबले। यानी कि ऐसा है कि 11th और 12th दोनों को मिला के आप हो सकता है कि 25-30 हजार में भी प्रिपरेशन कर पाओ। तो कहां पर 6 लाख और कहां पर 25 हजार, तो कॉस्ट का एकदम से बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन है, ठीक है, कि आप अपना पैसा बचा सकते हैं, पेरेंट्स अपना पैसा बचा सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स पे ज्यादा लोड ना डालें, क्योंकि सेम कंटेंट अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कोई डिफरेंस है, ठीक। तो पहला जो एडवांटेज है वो कॉस्ट सेविंग है। दूसरा एडवांटेज टाइम सेविंग। अगर बच्चा अपने यहां से घर से कहीं जो है
20 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके जा रहा है, आने जाने का उसका टाइम खर्च होगा, क्लास में टीचर का वेट करेगा उसका टाइम खर्च होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एनी टाइम जैसे आपने ऑन किया सिस्टम, आपके पास वीडियो है, क्लास आपकी चालू हो गई। तो टाइम बचाना, टाइम मैनेजमेंट इज अ मेन की टू द सक्सेस। आईटी जेई में आप टाइम बचा के सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो टाइम सेविंग ये होता है, कोर्स सेविंग प्लस टाइम सेविंग, हम इसके बारे में कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो एडवांटेज है कि एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, आपके पास अपना लैपटॉप है, टैब है, तो आप कहीं भी बैठ के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आप गार्डन में बैठ के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने किसी रिश्तेदार के घर गए तो वहां स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि स्टडी एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। इसके बाद अगला जो एडवांटेज है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फैकल्टी। अब अगर आपने कहीं ऑफलाइन प्रोग्राम में, क्लासरूम प्रोग्राम में, कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, टीचर आपको प्रोवाइड करा दिया गया, हो सकता है कि वो टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा हो या टीचर अच्छा ना हो, ठीक है, इसकी भी संभावना है। तो उस केस में आपके पास कोई उपाय नहीं है कि आप टीचर चेंज के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप चाह रहे हो कि टीचर बदल दिया जाए। कई बार ये हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो ऑनलाइन में हमारे पास ये सुविधा है कि हम जिसके फ्री डेमो वीडियो से प्रभावित हो उसी टीचर से हम पूरा कोर्स जो है एनरोल कर ले और साल भर उसी से पढ़े। तो यहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपका, क्योंकि देखिए जैसे मूवीज में होता है कि किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को आमिर खान पसंद है, ठीक है, किसी को ऋतिक रोशन पसंद है, तो वैसे ही फैकल्टी में भी हो सकता है कि पर्टिकुलर फैकल्टी के जो है फॉलोवर्स ज्यादा हो लेकिन दूसरे फैकल्टी को जो है आप ज्यादा पसंद करो क्योंकि आपके हिसाब से उसकी कंपेटेबिलिटी है। तो यहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना मनपसंद टीचर चुन सकते हो, ठीक है, ये आपके पास फैसिलिटी है। उसके अलावा अगला जो एडवांटेज है वो इसका है बहुत बड़ा, वो है इफेक्टिव रिविजन। अब मान लीजिए आपका कोर्स खत्म हो गया, फिनिश हो गया, अब आप जो है घर पे बैठे हुए रिवीजन कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि आपका क्लासरूम टीचर आपके साथ आके आपको रिवाइज कराए। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा है कि आप जो है घर बैठे उसी लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। तो पढ़ते समय आपने क्वेश्चन लगाए, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आपके अटक रहे हैं तो आपको पता लग गया ये सेक्शन मेरा वीक है, पर्टिकुलर उसी सेक्शन के आप वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत इफेक्टिवली जो है वो रिवीजन भी कर पाएंगे। और अब ऑल सबसे बड़ा एडवांटेज है अवेलेबल एट होम, यानी आप चाहे मुंबई में रह रहे हैं या फिर आप रांची में रह रहे हैं या फिर आप गुवाहाटी में रह रहे हैं, ठीक है, आपको अपने जगह को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर बैठे तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल उसी एक्सटेंड तक तैयारी कर सकते हैं। ये एडवांटेज है ऑनलाइन कोचिंग के, ई लर्निंग के मेरिट्स ये है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डीमेरिट्स क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डीमेरिट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो अब हम डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या डीमेरिट्स हैं, क्या नुकसान है, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि कंटेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ऐसा है कि कोई भी जो है अभी तक एक ऑर्गेनाइज कंटेंट नहीं आया है कि इस टॉपिक में इतने लेक्चर हैं तो यूट्यूब पर कि उतने ही लेक्चर वहां पर हैं, और ये इंश्योर करने वाला कोई नहीं है कि अगर कोई चीज मिसिंग है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। तो बच्चा जो है किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहा है, उसने कितना पढ़ाया है कितना नहीं पढ़ाया है उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन रूल नहीं है। कोचिंग पे है, क्योंकि कोचिंग पे क्या होता है कि बच्चे से फीडबैक लिया जाता है कि टीचर ने आपको क्या क्या पढ़ाया, जो कंटेंट वो देते हैं वो डिस्कशन होता है, तो बच्चे को पता होता है कि इस टीचर ने ये मेरा टॉपिक छोड़ा हुआ है। तो ऑनलाइन कोचिंग में इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई वहां पे वेल ऑर्गेनाइज लेक्चर्स नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज मेथोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ इसलिए है कि आप एक पॉपुलरिटी के लिए आप आए और आपने पढ़ाया, ठीक है। तो वेल ऑर्गेनाइज होने का अभाव है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो क्लासरूम कोचिंग से बड़े बड़े उन्होंने 20-25 साल में कंटेंट डेवलप किया है, उनका कंटेंट जो है टीपीपी शीट ये सब एक रिसर्च के साथ हुआ है, क्वेश्चन में एरर है तो एरर रिमूव की गई है, ठीक है, हर बार उसको अपग्रेड किया गया मटेरियल को, ठीक है, इस चीज का अभाव है। यानी अभी कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन में आया हो और ऑफलाइन में भी वेल एस्टेब्लिश्ड हो, तो इसलिए किसी के पास भी वो जो कंटेंट है, जो बैकबोन है तैयारी का,
जो टेस्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालने हैं उसके लिए जो रिसर्च होनी चाहिए उसका अभाव है। अभी सब लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि आपको एक थ्योरी जाके पढ़ा देना है, ठीक है। थ्योरी कितनी पढ़ाई गई है उसका कोई वहां पर यह नहीं है कि उसका अपन इवेल्यूएशन कर सके, या उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका एक कोई सिस्टम वहां पर नहीं है। तो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है लेक्चर्स। दूसरा कि आपका कंटेंट जो है वो डेवलप नहीं है। तीसरा जो है वो ये है कि कई ऐसे टीचर जिनके पास क्लासरूम पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो सीधा बोर्ड लगाकर और यूट्यूब पर पढ़ाने लग गए, और अगर उनको फॉलोवर्स मिल जाते हैं तो मोटिवेट होके जो है निरंतर लेक्चर ले रहे हैं और उनके साथ बच्चों की तादाद जुड़ गई। अब इस केस में क्या डिसएडवांटेज है? अगर किसी टीचर ने क्लासरूम कोचिंग पढ़ाई हुई है, 300 बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया हुआ है, तो उसको वहां से भी सीखने को मिलता है, यानी कि बच्चे के क्या डाउट आते हैं वो अपने लेक्चर में उसको शामिल करता है, ठीक है। तो ऐसे टीचर जिनको कोचिंग में पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो सीधा कहीं किसी के लेक्चर नोट्स देखकर या किसी और पॉपुलर फैकल्टी के वीडियो लेक्चर देखकर सीख रहे हैं और आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे बच्चों को सावधान होने की आवश्यकता है। यानी आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कई सारी ऐसी कोचिंग है जिन पे एनर्जेटिक जो नए युवा है जो जस्ट कॉलेज से निकले हैं उनको हायर करके उनसे लेक्चर करवाए जा रहे हैं। अब उनका फोकस क्या है? बस बच्चे को एंगेज करना, ठीक है ना, बच्चे को एंगेज करना अपनी एनर्जी से, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं कि कंटेंट की डेप्थ क्या होनी चाहिए। तो ऑनलाइन कोचिंग में ज्यादा के टीचर जो अभी हैं उनके कंटेंट में वो बात नहीं है जो क्लासरूम कोचिंग के एस्टेब्लिश टीचर्स में होती है। तो यहां पे ये भी संभावना है कि आप जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं और किसी अनएक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं, इनएक्सपीरियंस टीचर से, और ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि समय लिमिटेड है, आप अपना समय खराब ना करें, ठीक है। तो टीचर का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग में अभाव है। इसके बाद अगला फैक्टर जो आता है कि जो ऑनलाइन कोचिंग है ये बोरिंग है, मतलब थोड़ी सी। अगर क्लासरूम के बारे में बात की जाए तो बच्चे क्लास में, क्योंकि हम दोनों ही तरह की टीचिंग के अभ्यस्त रहे हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी हमने क्लासेस ली हुई है, अभी भी क्लास ले रहे हैं कोटा में, ठीक। तो एक जो एनर्जी होती है ना वो एनर्जी का एक अभाव है ऑनलाइन कोचिंग। बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है, स्पेशली लाइव क्लास में अगर आप देखो ना, तो लाइव क्लास हमने ली तो हमने एक्सपीरियंस पाया कि बच्चे को जो है एंगेज करना मुश्किल है। बच्चे के लिए ये एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, उसको वहां बैठना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है एक ये वन वे कम्युनिकेशन टाइप का है, ठीक है। तो बच्चे डाउट जरूर पूछते हैं वहां पे, लेकिन वो एक फीलिंग नहीं आती वहां पे। तो बच्चे को पढ़ते वक्त तो कोई ज्यादा खास फीलिंग आती नहीं है, बोर होता है। तो और फिर देखिए ये लेक्चर एक दो लेक्चर नहीं है, ये सैकड़ों की तादाद में लेक्चर है। अगर सैकड़ों की तादाद में आपको फिल्म दे दी जाए कि आपको रोज 5 फिल्म देखनी है, तो आप चाहे कितने भी फिल्मों के शौकीन हो आप नहीं देख पाओगे। तो जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन में वो संभव नहीं है बच्चे के लिए देखने वाला। तो केवल हम ऑनलाइन कोचिंग पे ही डिपेंडेंट हो जाए सिलेक्शन के लिए वो गलत है, आप इतने लेक्चर देख ही नहीं पाओगे। केवल इसको आप यूज करो एज ए सपोर्टिव सिस्टम कि मैं कोचिंग के साथ जो है इसको एज ए सपोर्ट यूज कर रहा हूं, मुझे जो चीज वहां समझ में नहीं आएगी वो मैं यहां आके देख लूंगा, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका कि बोरिंग क्लासेस हो जाती है इसमें, ठीक है, बच्चा उतना इंटरेस्ट से नहीं बैठ पाता। प्लस आप क्लासरूम में आ रहे हैं, ठीक है, आप अपने अगल बगल के लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, उससे आपका मूड हल्का होता है। प्लस क्लासरूम में क्या होता है, टीचर भी आपके साथ थोड़ी बहुत बात कर रहा है बच्चों के साथ, तो क्लास का एक एनवायरमेंट अलग होता है। यानी कि आप एक एग्जांपल समझिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए, तो लहरों को जब आप देखेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होता है, ये सबको पता है उस आवाज से। लेकिन आप नदी के पास जाने की बजाय केवल वीडियो देख लो लहरों का, नदी का वीडियो देख लो, तो क्या उससे वो चीज आएगी? नहीं आएगी। तो सामने एनर्जी फील्ड अलग होता है, ऑनलाइन में अलग एनर्जी फील्ड होता है। तो मेरे ओपिनियन में कि क्लासरूम कोचिंग इज ऑलवेज बेटर देन दी ऑनलाइन कोचिंग, कि यहां आपको जो है एक एनर्जी फील्ड अलग तरह का होगा, टीचर के साथ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, यहां आप आते जाते कुछ भी डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। प्लस टीचर कुछ चीजें ऐसी भी बोल रहा है आपको जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, जो आपको इधर उधर की बातों के बारे में बता रहा है, ज्ञान भी बच्चे को मिलता है ऑनलाइन कोचिंग में, ठीक है। इसके बाद अगली जो चीज है, यहां पर कोई फॉलो अप नहीं है स्टूडेंट का। अगर आप पूरी तरीके से ऑनलाइन कोचिंग के भरोसे बैठ गए घर में, अब आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं आपका कोई फॉलो अप नहीं है,
क्लासरूम कोचिंग में फॉलो अप होता है कि आप अपनी क्लास में लगाने गए, टीचर ने होमवर्क दिया है और आप होमवर्क करके नहीं लाए तो टीचर पूछ लेता है आपसे कि आप करके लाए नहीं करके लाए। तो ये फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा तनाव में रहता है कि यार क्लास में जाऊंगा तो मैं जो है ना होमवर्क करके जाऊंगा, तो बिना होमवर्क के आपका सिलेक्शन कैसे होगा? केवल थ्योरी लेक्चर देखने से नहीं हो सकता। तो जब तक आप प्रॉपर होमवर्क ना करें, उसका डिस्कशन नहीं हो, तो सिलेक्शन होना जो है लगभग असंभव बात है। आप ये समझो कि ड्राइविंग सीखने के लिए मैनुअल पढ़ना जो है वो अलग चीज है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना अलग चीज है। तो जो असली सब्जेक्ट सीखता है बच्चा, वो क्वेश्चन करने से सीखता है और क्वेश्चन करने के बाद डिस्कशन से सीखता है। इसका कोई फॉलोअप सिस्टम अभी प्रेजेंट ऑनलाइन कोचिंग्स में नहीं है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको समझने की आवश्यकता है, ठीक। इसके बाद जो अगला ये है वो है कि टू मेनी ऑप्शंस, यानी आपके पास समय तो जो है थोड़ा सा है, लेकिन आप एक सब्जेक्ट में आप 15 टीचर के वीडियो देख रहे हैं, 10 टीचर के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? आपका समय खराब हो रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे YouTube पे आप देख रहे हैं 10 टीचर को वीडियो देख के, आप एक टीचर से आपने 16 स्टेप पढ़ा, दूसरे से आपने फिर जो है मोल कंसेप्ट पढ़ा, तो एक खिचड़ी सी पक जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस YouTube में तो वैसे ही पढ़ना टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप जब वीडियो देख रहे हैं उसके साथ में दूसरे सजेशन आ रहे हैं। हो सकता है कि आप वीडियो देख के और किसी जो है बंदरिया का डांस देखने लग जाओ, यह भी संभव है। तो YouTube में आपके जो है अपने गोल से हटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम YouTube के सारे जो है पढ़ाई करके सेलेक्ट हो जाए, ठीक है? वो शुरू में एक एक्सपोजर के लिए कि हाँ भाई ये फ्री डेमो लेक्चर पढ़ा हुआ है इस फलाने टीचर का, तो मैं जाकर इसको देख सकता हूं। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन जो है वो खिचड़ी पक गई है, बहुत ज्यादा ऑप्शन से बच्चा कंफ्यूज हो गया है, पर्टिकुलर एक टीचर को फॉलो करता नहीं है तो वो बस लेक्चर देखे जा रहा है, ठीक है? तो ये एक अभाव है ऑनलाइन कोचिंग। इसके बाद ऑनलाइन कोचिंग का जो एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, वो है व्हाइट बोर्ड रिकॉर्डिंग। अब यदि आप देखेंगे तो इटूस कोचिंग के और न्यूक्लियन की वीडियो जो है अभी वो ग्रीन बोर्ड में है, ठीक है? इस ग्रीन बोर्ड का एडवांटेज है कि आईज पर जो है कम दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आप देखिए बच्चा रोज 3 लेक्चर देख रहा है, 3-4 घंटे वो टीवी या मोबाइल के सामने स्पेंड कर रहा है या टैब या कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, 4 घंटे अगर वो वीडियो देख रहा है कंटिन्यूअसली 2 साल तक, आंखें उसकी खराब हो जानी है, ठीक है? तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज जो बोर्ड है वो ये है ग्रीन बोर्ड। अगर आप ग्रीन बोर्ड की वीडियो को देखेंगे तो आंखों पर उतना तनाव आपके आएगा नहीं, ठीक है? लेकिन चूंकि अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, ठीक है, जिनमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ज्यादातर लोग यूट्यूब पर अब व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में आ गए, जो कि लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए नुकसानदायक होने वाला है। आपकी आंख की रोशनी कमजोर होगी और दुनिया में सबसे कीमती चीज आंखें हैं आपकी। आपको जो चीजें देखनी आसपास एनवायरमेंट में आंखों के सारे देखते हैं, तो अपनी आंखों को क्यों खराब करें हम? तो डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड जो है वो आंखों के लिए उतने अच्छे नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अभी तक हमने जो है इन 4-5 चीजों के बारे में बात की, कोटा के मेरिट डीमेरिट, ऑनलाइन कोचिंग के मेरिट एंड डीमेरिट, ठीक है? यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस हो उनको, ठीक है? हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और पेशेंटली ये वीडियो सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। इस तरह की वीडियोस हम फ्यूचर में बनाते रहेंगे, ठीक है? हमारे बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, nucleon.iitj.kota.com। धन्यवाद, थैंक यू।